ओके, कैसे हैं बच्चे आप लोग। मैं अरविंद अलबेला, क्लास 11 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इससे पहले भी कई वीडियो यूनिट एंड डायमेंशन का डाला गया है, लेकिन ये यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन है कि आप यदि थोड़ा सा भी दिमाग लगा के दिल लगा के पढ़ लीजिएगा तो फिर अलग से कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को और समझाते हैं कि यूनिट और डायमेंशन हम कैसे सीखना है हमको। मतलब यूनिट डायमेंशन रटना नहीं है, रटना क्या है उसमें थोड़ा सा फार्मूला को ध्यान रखना है। कभी भी यूनिट और डायमेंशन रटने की कोशिश भूल से भी नहीं करेगा कि इसका यूनिट क्या हम रट ले, लेकिन तीन चार इसका रटना पड़ेगा। जैसे लंबाई का मीटर तो रटना ही पड़ेगा, मास का किलोग्राम रटना पड़ेगा, टाइम का सेकेंड रटना पड़ेगा, एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ये सब थोड़ा थोड़ा हल्का फल्का याद रखना पड़ेगा। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, ये सात फंडामेंटल आपको याद रखना चाहिए। पूरे फिजिक्स जैसे चार्ज का कूलम होता है, करंट का एम्पियर होता है, तो ये सब डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। चलो शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट यूनिट एंड डायमेंशन का। तो ये आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिजिकल क्वांटिटी देख रहे हैं जो फंडामेंटल है, ये ज़्यादा तो मोस्टली यूज होता है। इसके अलावा भी हम बताएंगे, तो लंबाई का मीटर याद रखिएगा और डायमेंशन एल हो जाएगा इसका, क्योंकि मीटर अकेले है इसलिए एल हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई कुने चौड़ाई। तो लंबाई के लिए जब मीटर आ रहा है तो चौड़ाई के लिए भी मीटर ही आएगा, और मीटर पावर वहाँ वन है और यहाँ वन, तो मीटर पावर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका डायमेंशन मीटर लेंथ है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। और वॉल्यूम में लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, वॉल्यूम में क्या हुआ एल है, बी है और एच है। जैसे लेंथ का भी मीटर होगा तो ब्रेथ भी मीटर में ही होगा और ऊंचाई भी मीटर में ही होगा, तो तीनों मीटर आ जाएगा ना, मीटर गुने मीटर गुने मीटर। तो मीटर पावर 1 × 1 × 1 तीनों जोड़ हो जाएगा तो एम की पावर 3 हो जाएगा। अब मीटर किसके लिए ध्यान दो, मीटर किसके लिए आया, लेंथ के लिए आया, तो लेंथ के लिए क्या, लेंथ पावर 3 हो जाएगा। और लेंथ में यहाँ दीजिए एम एल हो गया डायमेंशन किसका, एल का। एल स्क्वायर किसका होगा, एरिया का। एल क्यू किसका डायमेंशन होगा, वॉल्यूम का। और डायमेंशनल फार्मूला पूछ देगा तो जो नहीं रहेगा उसका पावर 0 कर देंगे। तो लेंथ में तो मास नहीं है, टाइम भी नहीं है, लेंथ में क्या नहीं है, मास नहीं है, अरे टाइम नहीं है, क्या नहीं है, लेंथ में मास और टाइम नहीं होता है, तो मास पावर को 0 कर देंगे और टाइम पावर को 0 कर देंगे। एरिया में एल स्क्वायर रहेगा, मास और टाइम फिर 0 हो जाएगा। वॉल्यूम में एल क्यू रहेगा और मास और टाइम फिर 0 हो जाएगा। अब डेंसिटी में मास बटा वॉल्यूम होता है। देखिए यहाँ से भी आपका डेंसिटी फॉर्मूला याद हो जाए, मान लो कि आपको याद है डायरेक्ट कि डेंसिटी फॉर्मूला एम एल माइनस 3 होता है, तो आप यूनिट निकाल सकते हैं। तो मास का क्या हो गया kg, वॉल्यूम मीटर की लेंथ का क्या होगा मीटर माइनस क्यू। अब मास को ऊपर ले जाइए और एल क्यू नीचे आए तो वॉल्यूम हो जाएगा, तो मास बटा क्या kg बटा मीटर क्यों हो जाएगा, उल्टा भी चल सकते हैं, तो मास बटा वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं। मतलब इधर से जाइएगा तो भी वही प्राप्त करिएगा, इधर से जाइएगा तो भी। थोड़ा ध्यान दीजिए हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो या तो ये रखिए, तो मास हो गया kg, वॉल्यूम हो गया मीटर क्यू, और ये मीटर क्यू पर kg मीटर माइनस क्यू हो गया, तो इसका यूनिट हो गया kg मीटर के पावर माइनस 3, या kg इनवर्स पावर 3 भी कहते हैं, इनवर्स 3 हो गया। तो ये kg जो आया बुआ रे, ये मास के लिए इसलिए m हो गया, और ये मीटर जो होता है ये किसके लिए आता है, लेंथ के लिए आता है, तो एल हो गया एल माइनस 3 हो गया, तो डायमेंशन हो गया एम एल माइनस 3 हो गया। और ये डायमेंशन में टाइम सिर्फ अब नहीं है, क्योंकि पावर ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इज नोन एज डायमेंशन। इंडिविजुअल डायमेंशन डालिएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा जहां डायमेंशन खाली समझाया गया है, डायमेंशन का यूज समझाया गया है, यूज ऑफ डायमेंशन बाय अरविंद अलवेला डालिएगा आ जाएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम डाल देंगे, उस लिंक पर जाकर क्लिक कीजिएगा आपको मिल जाएगा। तो आप समझिए कि जैसे कि ये डेंसिटी का डायमेंशन हो गया ml माइनस 3, और डायमेंशनल फार्मूला पूछ देगा तो ये नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मास लेंथ टाइम का पावर होता है, तो मास लेंथ तो आपको दिखाई दे रहा है लेकिन टाइम नहीं दिखाई दे रहा, तो टाइम नहीं है ना, तो टाइम पावर को 0 कर देंगे। अब आइए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बराबर होता है वो अरे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का डी हो जाएगा और टाइम का टी हो जाएगा। जैसे कोई गाड़ी चलती है ना, आवाज़ आया होगा गाड़ी का, तो कोई गाड़ी चलती है तो उसका कुछ वेलोसिटी होता है, मतलब कितना समय में वो कितना दूरी तय करता है, कितना टाइम में कितना डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस हो गया डी और टाइम हो गया टी। तो डिस्टेंस का डायमेंशन मीटर, यूनिट मीटर होगा, और टाइम का सेकंड, डिस्टेंस जो होगा ना मापेंगे वो सेंटीमीटर में नहीं मापेंगे,
बहुत छोटा हो जाएगा, किलोमीटर में बहुत बड़ा हो जाएगा, मीटर में पर मीटर ऐसा यूनिट है। तो मीटर हो गया और टाइम का सेकंड हो गया, ये सेकंड बाबू ऊपर आएगा तो सेकंड के बाबू माइनस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर सेकंड माइनस वन, मतलब मीटर पर सेकंड माइनस वन क्या हो गया वो, अरे वेलोसिटी का यूनिट हो गया। वेलोसिटी का यूनिट ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, और फार्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो मीटर किसके लिए, लेंथ के लिए, और टाइम किसके लिए, टी के लिए, तो एल टी माइनस वन हो जाएगा। तो इसमें मास नहीं है तो एम जीरो एल टी माइनस वन हो जाएगा। एक्सेलरेशन को होता है वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन फार्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन फार्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन यूनिट हो गया मीटर माइनस सेकंड, एम एस माइनस वन, मतलब मीटर सेकंड पर माइनस वन, एक और सेकंड है तो सेकंड ऊपर जाएगा तो मीटर सेकंड माइनस टू हो जाएगा। तो मीटर किसके लिए, लेंथ के लिए, तो एल टी माइनस टू हो जाएगा। तो इससे मास नहीं तो फिर में एम जीरो एल टी माइनस टू हो जाएगा। अब इससे देखो कि एक्सेलरेशन तुमको कैसे आगे मदद करेगा, मतलब आपको फोर्स का निकालना है तो एक्सेलरेशन आपको क्या करेगा, मदद करेगा। और एरिया का निकालना है तो एरिया वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है। थोड़ा सा हम दो तीन फार्मूला और दिखाते हैं आपको कि कैसे एक दूसरे को सब मदद करता है, कैसे वेलोसिटी मदद करेगा, कैसे एरिया मदद करेगा, कैसे सब एक दूसरे को हेल्प करेगा, जितना ही डायमेंशन पर है सब हेल्प करेगा। तो यूनिट, डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला हम आज सीख जाएंगे। इसके बाद कोई अलग से वीडियो आपको नहीं देखना है, यही वीडियो को दो बार तीन बार चार पाँच बार देखना है, आपका डायमेंशन कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे डायमेंशन और फोर्स कहीं भी जाइएगा ना, तो फिजिक्स का कोई भी टीचर हो छोटा बड़ा, एक के तरफ फोर्स का डायमेंशन आता है तो एम एल टी माइनस टू बोल दीजिएगा। क्यों बोलते हैं सो दिखाते हैं, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू क्यों होता है, बहुत रट ही लिया, बहुत मेरे विद्यार्थी तो इतना महान है कि रट ही लेता है फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू होता है। लेकिन भैया सीख जाइए कैसे होता है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला लिख लीजिए, फोर्स का फॉर्मूला लिख लीजिए, बड़ा होता है मास गुने एक्सेलरेशन, एम ए होता है, तो एम का डायमेंशन इंटू ए का डायमेंशन, एम का डायमेंशन एम हो गया और एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू हो गया, तो इसका डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस टू। अब एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू अभी निकाले थे तो याद रहेगा तो बैठाइएगा, और यूनिट यहीं से निकल जाएगा, कितना आसान है। देखिए मास का के जी, लेंथ का मीटर और टाइम का सेकेंड, तो ये हो गया के जी मीटर सेकेंड माइनस टू, और इसका फोर्स न्यूटन है इसलिए ऐसा न्यूटन हो जाता है। जल्दी नोट कर लीजिए, नोट करना है तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया एम एल टी माइनस टू, इसका यूनिट होगा के जी मीटर सेकंड माइनस टू, और यूनिट मतलब न्यूटन में लिखा देंगे। अब वर्क का निकाल दे, फोर्स जैसे एक्सेलरेशन फोर्स पर डिपेंड करिए, वर्क देखिए वर्क, तो वर्क बड़ा होता है वो अरे फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स का डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस टू और डिस्टेंस का एल हो गया, तो एल पर दो पावर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हो गया। यूनिट निकालेंगे इसका, तो मास का के जी मीटर है ना, तो मीटर नहीं ये एम मास है, और मास का यूनिट किलोग्राम होगा, और लेंथ क्या है लंबाई, एल लेंथ है मतलब लंबाई, इसका मतलब होगा मीटर, पावर दो है तो पावर दो कर देंगे, और टाइम है तो सेकेंड माइनस टू कर देंगे, ये यूनिट निकल गया। अब पावर को लिखते हैं, पावर का तो पावर कोई भी होगा, पावर पी, पावर को पी से लिखा था तो वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, किसकी शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। आपको शांत माहौल में पढ़ना चाहिए जिससे आपका पावर अच्छा हो सके, मतलब कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सके। तो ये पी का डायमेंशन और वर्क का डायमेंशन यहाँ से ले लीजिए, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और टाइम का एक और टी आ जाएगा, तो एम एल स्क्वायर है और टी पावर माइनस थ्री हो जाएगा। यूनिट निकले तो मास का के जी, लेंथ का मीटर स्क्वायर, टाइम का सेकंड माइनस टू, और वर्क का जूल होता है यूनिट बटा सेकंड, इसको वाट भी कहते हैं। तो यूनिट ये तीनों हो गया, के जी मीटर सेकंड माइनस टू, जूल पर सेकंड, ये वाट। अब लास्ट हम पढ़ेंगे मोमेंटम, मोमेंटम मतलब संवेग होता है, मोमेंटम पर होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का डायमेंशन इंटू वेलोसिटी का डायमेंशन, तो मास का डायमेंशन एम होता है, वेलोसिटी का पीछे पढ़े हम एल टी माइनस वन होता है, देख लीजिए पीछे पर है वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। यूनिट लिखेंगे तो मास से बिठा देंगे के जी, लेंथ से मीटर, टाइम से सेकंड माइनस वन, तो ये यूनिट हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी है वैसे भी, तो ये एम एल टी माइनस वन मोमेंटम का डायमेंशन, मोमेंटम का डायमेंशन पूछेगा तो क्या बोलेंगे, यूनिट याद रहेगा उससे बना देंगे यूनिट, एम के जी किसके लिए, मास के लिए, मीटर किसके लिए, लेंथ के लिए, और सेकंड किसके लिए, टाइम के लिए। तो इससे आपकी यूनिट से डायमेंशन निकाल सकते हैं और डायमेंशन से यूनिट निकाल, लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन दोनों के लिए आपको फार्मूला जरूर चाहिए। जैसे आपको फोर्स का फॉर्मूला मास गुणा एक्सेलरेशन याद रहना चाहिए, वर्क का फोर्स गुणा डिस्टेंस याद रहना चाहिए,
और पावर के लिए वर्क बाय टाइम याद रखना चाहिए, और मोमेंटम पी के लिए मास गुणे वेलोसिटी याद रखना चाहिए। तो यही मेन चीज है यूनिट एंड डायमेंशन में, कि जब तक आपको कोई फार्मूला नहीं याद रहेगा आप यूनिट और डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि फोर्स बराबर मास गुणे एक्सेलरेशन याद रहेगा तभी तो मास का एम होगा और एक्सेलरेशन का एलटी माइनस टू होगा और फोर्स का डायमेंशन एम एलटी माइनस टू आपको याद होगा, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा मूर्ख चौपाट की तरह, लोटा ने थारी ले लो गिरधारी वाला बात हो जाएगा। मतलब मास का आप कितना दिन रटोगे, क्या रटोगे भाई, रटते थे दिमाग तो नहीं खराब करना है ना, इसलिए सीखना है कि एफ बराबर होता है एम ए, तो मास का डायमेंशन अलग कर देना, एक्सेलरेशन का अलग कर देना, मास का डायमेंशन एम होगा, एक्सेलरेशन का एलटी माइनस टू तुम सीख चुके हो तो एम एलटी माइनस टू हो जाएगा, मास का केजी हो जाएगा, लेंथ का मीटर हो जाएगा, सेकेंड का टी सेकेंड माइनस टू हो जाएगा। ये तीनों केजी मीटर सेकेंड माइनस को न्यूटन कहते हैं, चूंकि न्यूटन ने इसका खोज किया था, और इसको जूल कहा जाता है क्योंकि वर्क का खोज जूल ने किया था, जूल, और जूल बटा सेकेंड को वाट बोलते हैं, और मोमेंटम का यूनिट हो गया केजी मीटर सेकेंड माइनस वन। ये जो फोर्स है, वर्क है, पावर है, मोमेंटम, ये एकदम इम्पोर्टेंट है। कहाँ पावर का यूनिट, तो ये यहाँ माइनस थ्री हो जाएगा, गुड, टाइम को माइनस थ्री हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, फोर्स का डायमेंशन याद कर लीजिए एम एल टी माइनस टू, वर्क का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, पावर का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, और मोमेंटम का डायमेंशन एम एल टी माइनस वन। यूनिट की बात करें तो मास के जगह पर के जी, लेंथ के जगह पर मीटर, और टाइम के जगह पर सेकेंड, तो के जी मीटर सेकेंड माइनस टू, मतलब एक के जी वस्तु को एक मीटर यदि खिसकाना हो और एक सेकेंड का टाइम लगता हो तो इसी को एक न्यूटन बल कहते हैं, और एक न्यूटन बल जैसे फोर्स में एक न्यूटन और मीटर, न्यूटन मीटर को भी जूल कहते हैं, और जूल बाय सेकेंड को वाट कहते हैं, है ना। मतलब देखिए क्या है कि एक के जी का वस्तु है और एक सेकेंड के अंदर एक मीटर खिसक जाता है, तो एक के जी वस्तु को एक सेकेंड के अंदर एक मीटर खिसकाने के जितना बल की आवश्यकता होगा वही एक न्यूटन होता है, और एक न्यूटन बल देके और एक मीटर खिसका रहे हैं तो जो कार हुआ वो एक जूल होगा, और एक जूल वर्क एक सेकेंड में कर रहे हैं वो एक वाट क्या है, पावर है। तो फोर्स, वर्क और पावर एक दूसरे से मिलता जुलता है, यदि फोर्स नहीं देंगे तो वर्क नहीं होगा, वर्क नहीं करेंगे तो पावर नहीं होगा, मतलब फोर्स को डिस्टेंस से गुना कर दे तो वर्क बन जाएगा, और वर्क को टाइम से भाग दे तो पावर बन जाएगा, और मास को वेलोसिटी से गुना कर दे तो मोमेंटम बन जाएगा। डिफिनेशन यहाँ से बना सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को फोर्स बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट इज नोन एज वर्क, मतलब बल और विस्थापन गुणनफल को कार्य कहते हैं, वर्क अपॉन टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब तक मास और वेलोसिटी नहीं मिलेगा ना तो मोमेंटम जीरो होगा, मतलब रुकी हुई वस्तु का कोई मोमेंटम नहीं हो, चूंकि वेलोसिटी जीरो हो जाएगा मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो होगा। जब वस्तु चलती है ना तभी उसे मोमेंटम है, कोई ट्रेन चलता है, कोई हथौड़ा कट 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 के आवाज चलता है तो उसे मोमेंटम होता है। तो फिर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि एक्स मतलब डायमेंशन का क्या यूज होता है, जिस तरह ईरर का एक सीरीज आपको वीडियो मिला कि ईरर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ईरर क्या होता है, पावर ऑफ ईरर क्या होता है, और ईरर से रिलेटेड प्रॉब्लम मिला। तो यूनिट और डायमेंशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हुआ, और यूनिट और डायमेंशन का रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा उपयोग है, क्योंकि कोई फिर क्वांटिटी ऑफ 11 या 12 कंपटीशन पढ़िएगा तो यूनिट और डायमेंशन से एक क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तत्काल टेक रेस्ट, यदि वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।